मामा मामा पुप्पो आ गई हैं। थैंक गॉड आप ठीक हैं पुप्पो। कुछ कुत्सिया ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की आज, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मारने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है बचाने वाला। आप मुझे माफ कर दे, मैंने जो कुछ भी बोला मैंने गुस्से में बोला था। जानती मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरे मुंह में जो भी आया मैंने बोल दिया, गुस्से में बोला था, मुझे माफ कर दे। अब बेटा आप हुक्म के कमरे में ले जाओ। तो अंदर आ जाए। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। समीना आओ, मैं समीना के साथ उसके कमरे में ऊपर जाऊंगी। सॉरी पप्पू, ऐसा नहीं हो सकता। आप हुमायमा की बात पर यकीन कर सकती हैं। अम्मी और मैं ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कैब बुला ली है, मैं सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रही थी। समीना ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। प्लीज पप्पू, आप अभी 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 हॉस्पिटल से आई हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बहस में दोबारा खुद को डालें। अगर अम्मी और मेरे इस घर से जाने से या पीछे हटने से इस घर में और दोनों खानदानों में सुकून आ सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है। समीना कल भी इस घर की बहू थी, इस खानदान की बहू थी और आज भी इस खानदान की बहू है। बल्कि आज उसका रिश्ता हमारे खानदान से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। क्योंकि आज समीना का इस घर पे ज्यादा इख्तियार है। ये अब एहसान की बीवी है। मैंने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया है। ये कहीं नहीं जाएगी।